राम राम भाई सारा ने। तो भाई सपाटे की फिर तो डिमांड आ रही थी, प्रॉपर समझाओ किस चीज के लिए होता सपाटा और सपाटा भाई क्यों कर बनया, क्यों कर सब कुछ बताऊंगे आपने। तो सबसे पहली बात तो भाई सपाटा कोई प्राचीन काल की एक्सरसाइज ना है, जो पुराने टाइम के पहलवान आते हैं उनके ढड़ पेट हो जा रहे थे, कदे फोटो काट के देख लियो सपाटा। तो भाई उन पे बहुत बड़ी बात थी, उन पर ना लागते सपाटे। सपाटे जो आए हैं अपने ये 70s के बाद आए हैं, जब मैट मूट का ज्यादा प्रचलन हो गया था इंडिया में भी, तो सपाटा उसके बाद आया भाई। पहला डंड आ रही है, क्या आ रही है, डंड होगी, रस्से हो गए, कस्सी होगी, मुगदर हो गए, वेट ट्रेनिंग पहला भी हो रही थी, पर उसका तरीका अलग हो रहा था थोड़ा। हाँ तो ये चीज हो रही थी भाई। आज आपने बताऊं एक परफेक्ट सपाटा क्यों कर बना सको हो, पर क्यों कर सीख सको हो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले तो भाई आपने पुशअप लगानी तो आनी चाहिए, पुशअप जरूरी है इसमें, लगानी आनी चाहिए पुशअप। जो पुशअप आ गई, दूसरा प्रोसेस होगा भाई डंडे। डंडे में भी देख गर्दन हमेशा ऊपर जानी चाहिए, गर्दन का बहुत मेन रोल होगा भाई। गर्दन ऊपर न जाओगी तो ये हमारी पूरी जड़ेगी, मसल पूरी खिंचेगी ढंग से और ट्रेन भी अच्छी होगी। तो भाई तीसरा हमारा होगा घुटमा, देख कोनी गोडे सेम, और जो हाथा का वो है खुले में चौड़ाई हुआ हुआ है, कंधे के बराबर जितने हमारे कंधे उस तक हल्का सा बाहर कर सकते, ज्यादा बाहर नहीं कर सकते उसने। तो ये गल्ला आगे न जाओगी गोडी, गल्ला ये पीछे ने बोल दी गल्ला, जुगर गोता मारे अगर ना मच्छी की लड़ा नू। इसके बाद फिर खड़े हो जाओ, खड़े होकर आगे पीछे पा जरूर होने चाहिए, पाया का बहुत मेन रोल, आगे पीछे भी होने चाहिए पा। इब कई की करे गलती याड़े या कमर नुए राख ले, तो कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए, पाछा जाने चाहिए पा, हाथ भी पाछा जाओगे देखिए ऊपर जाओगे। अरे एक जो परफेक्ट सपाटा हो उसमें भाई आप देखोगे ना एक मशीन सी चलती लाग गई, एक रिदम दिख गई आपने, रिदम जो कर देखिए भी आगे पीछे पा करके एक साल आगे उसमें पॉइंट का ही फर्क ना पावा हर सपाटे में, कति सेम पाऊंगे सारे। उष्टिया ने गलती कर रहे हैं, देख मार दिया उष्टिया ने, क्या करेंगे ज्यादा खड़े हो जाएंगे, ज्यादा खड़े हो जाएंगे, जो गलती नहीं करनी है, उठना भी बैठ गए है पूरा मार के, तो ये पहाड़ आ लेंगे ना जब उठना है, फिर आगे पीछे पा यो है भाई। बाकी सपाटा कोई मसल बिल्डिंग के लिए नहीं होता, ये अपना भाई स्टेमिना भी हुआ है, स्टेमिना बढ़ाने थी, अरे फुल बॉडी एक्सरसाइज हुआ है। और भाई जो नीचे नीचे सपाटे मार रहे हैं, खाली गिनती बढ़ानी है तो बेसिक मार लो भाई, अगर जिंदगी में असली में मेहनत करनी है तो ये मारो फुल सपाटा मारो। देखो भाई वेजित 500 मारो ना, ये 200 ही बता देंगे आपने। अब भाई बॉडी में कुछ चल रहा है, कुछ वर्कआउट कर रहा है, आगे पीछे पागड़ना पूरा खड़े होना बहुत ज्यादा अंतर है भाई, नीचे नीचे मारना में तो भाई पूरा मारे रहो मारे सपाटा। और बाकी मर्जी सब ये बनी है भाई, किसे भी कोच खलीफा किसे तो बदख खा का वीडियो पूछ सको कि इस भाई ने सपाटा ठीक बताया है कि ना बताया, कोई गलत बता दे तो भाई चैनल डिलीट कर देंगे ना, कोई गलत बात बताऊं भाई और ना मन ने कोई इतना बुंडाड़ा काम धंधा ना छेड़ना, मैं तो जो बात है साची वाह बताऊंगा, चाहे वह किसी ने बूंदी लागो किसी ने अच्छी लागो, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो बात सच्ची बात मैं कहूंगा। मैं जाते जाते फिर एक बात कहूंगा, बोले बाबा ऐसा किसी में दम नहीं और देसी की कम नहीं।